क्या करता है वो कि उस इत्र में पता नहीं क्या काला जादू और क्या पढ़ वढ़ कर ऐसा कर देता है कि उस इत्र को अगर वो राजकुमारी लगाएगी तो पूरी तरीके से वो उस तांत्रिक के वश में आ जाएगी। तो वैसे ही वे भानगढ़ को वो श्राप देता है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो कभी सुखी नहीं रहेंगे, सब मर जाएंगे, ऐसा कुछ वो श्राप देता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज अगेन एक हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने वाली हूँ। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि उन्हें हॉरर स्टोरी सुनना है। आज जो हॉरर स्टोरी है वो भानगढ़ की स्टोरी है। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि भानगढ़ एक ऐसी जगह है, वहां की जगह इतनी ज्यादा श्रापित मानी जाती है। तो क्यों मानी जाती है, ऐसा क्या हुआ था, आज तक किसी को कन्फर्म नहीं पता कि उसके पीछे का राज क्या है। बट लोग अपने अपने दिमाग लगाते हैं कि अच्छा ऐसा हुआ, मतलब अपनी अपनी कहानियां बनाई हुई, जिसमें से सबसे ज्यादा जो फेमस कहानी है वो आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। काफी इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत मजा आएगा आपको सुनकर। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चाहो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, मैं आपको बिल्कुल फोर्स नहीं कर रही। और अपने जो भी वीडियो के सजेशन आप मुझे दे सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, आज जिसका बात मैं करने वाली हूँ, देखो ये जो भानगढ़ है ना, ये बेसिकली एक जगह है जहां पर कहा जाता है इंडिया की, एशिया की सबसे खतरनाक जगह में से, भूतिया जगह जो होती है ना, सबसे खतरनाक जगहों में से एक इसको माना गया और सबसे खतरनाक माना गया है। इसलिए माना गया है क्योंकि काफी पहले लोगों का ये मानना है कि काफी पहले एक चीज हुई थी उस जगह पर। वहां एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था राजकुमारी रत्नावती। उनके साथ ऐसा था ना कि वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी, मतलब वहां के लोगों का ये मानना था कि वो काफी ज्यादा खूबसूरत थी, मतलब ऐसा था कि उन्हें कोई भी देखकर बहुत जल्दी, मतलब कहते हैं उनके प्रति अट्रैक्ट हो जाता है। नॉर्मली अभी भी ऐसा ही होता है कि अगर कोई ज्यादा खूबसूरत है तो उसे देखकर कोई भी अट्रैक्ट हो जाता है, तो वो कुछ ज्यादा ही खूबसूरत थी। ऐसा हुआ था ना कि उस राजकुमारी के पीछे एक तांत्रिक जो बाबा थे, जो नॉर्मली काला जादू वगैरह करते थे, उनके पीछे वो काफी ज्यादा उनके पीछे कायल हो गए थे उनकी खूबसूरती का। वैसे क्या होता है कि उसकी उनकी खूबसूरती का चारों तरफ काफी ज्यादा बोलबाला था, वो सभी जानते थे कि वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। तो अगर सभी जानेंगे तो किसी ने उसके कान तक तो पहुंच ही गया था। उन्हें पता था कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और उनके प्रति बहुत ज्यादा वो मतलब अट्रैक्ट हो गए थे। और उसने क्या किया कि उसे बस किसी भी हाल में उस तांत्रिक को, राजकुमारी को पाना था, चाहे कुछ भी करके उसे पाना था उसे। एक दिन क्या होता है, राजकुमारी अपनी कुछ दासियों के साथ जो अपनी राजमहल है उसके आसपास जो मेला आप कह सकते हो या कोई जगह जहां सामान वगैरह बिकता है, वहां से इत्र अपने लिए खरीदने गई थी। अब इत्र खरीदने जब गई तो ये चीज ना बाबा को पता चल गया, वो तांत्रिक को पता चल गया, वहीं पर था, उसने देख लिया। तो ये देखकर उसके मन में कुछ ऐसा आइडिया आता है कि क्या करता है वो कि उस इत्र में पता नहीं क्या काला जादू और क्या पढ़ वढ़ कर ऐसा कर देता है कि उस इत्र को अगर वो राजकुमारी लगाएगी तो पूरी तरीके से वो उस तांत्रिक वश में आ जाएगी। तो ये तो किसी को पता नहीं था। तो क्या हुआ कि वो जो इत्र था वो लेकर राजकुमारी गई, लेकिन वहीं के निवासी जो थे उसमें से किसी को पता चल गया था ये सारी चीज के बारे में कि तांत्रिक ने राजकुमारी के साथ ऐसा वैसा चीजें कुछ किया है। उसने क्या किया कि जाके राजकुमारी को ये सारी चीजें बता दी। राजकुमारी ने तुरंत अपने दासियों को आदेश दिया कि ऐसा करो, ये जो इत्र है इसे बाहर जाकर फेंक दो, राजमहल से बाहर। अब दासी ने क्या किया कि उस इत्र को उठाकर जाकर राजमहल से बाहर फेंक दिया। अब जैसे ही उसने फेंका तो एक चट्टान था, उस चट्टान पे जाकर फेंक दिया उस इत्र को। अब वो चट्टान और उस इत्र में जो भी काले जादू थे उसमें पता नहीं एक दूसरे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो गया और पता नहीं क्या हो गया कि मतलब सारा असर जो है उस चट्टान पे चला गया और वो चट्टान उड़कर उससे तांत्रिक के पास जाने लगा उसे खत्म करने के लिए। तांत्रिक को लगा कि उस चट्टान पर बैठकर राजकुमारी आ रही है, तो उसे ऐसा फील हुआ कि उस चट्टान पर ही बैठकर राजकुमारी आ रही है। तो वो बहुत ज्यादा खुश था कि चलो चट्टान पर बैठ के अब मेरी राजकुमारी है। उसने सोचा कि उस चट्टान को अपने सीने पर उतारा जाए। तो उसने क्या किया कि ऐसे ही सोचा, लेकिन जैसे ही वो चट्टान उसे करीब आया ना, उसे फिर एहसास हुआ कि नहीं ये चट्टान है। तो चट्टान उसे क्या होता है लग जाता है और वो पूरी तरीके से ढेर हो जाता है वहीं पे। लेकिन मरने से पहले जब उसकी कुछ सांसें बची हुई थी तो वैसे ही वे भानगढ़ को वो श्राप देता है कि यहाँ पर जितने भी लोग है वो कभी सुखी नहीं रहेंगे, सब मर जाएंगे, ऐसा कुछ वो श्राप देता है। ये सुनकर राजकुमारी क्या करती है, जब ये सारी चीजें राजकुमारी को पता चलता है तो वहां के लोगों को वो खाली करवा देती है। लेकिन ऐसा होता है कि ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है कि जैसे ही श्राप दिया गया था वैसे ही कुछ वक्त के बाद ही सारे ही लोग अपने आप ही मर गए थे, अपने आप ही खत्म हो गए थे, और राजकुमारी भी कुछ वक्त के बाद खत्म हो गई थी, मतलब उसकी भी डेथ हो गई थी। ये कहानी है। कहा जाता है कि आज भी उस किले में मतलब कि ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी है। और ये भी कहा जाता है कि वो जो
तांत्रिक था वो आज भी उस किले में है, और मतलब वो वही शायद किसी को नहीं, जो भी वहां जाता है वो मतलब वहां से कभी लौटता ही नहीं, ऐसा कहा जाता है, और ऐसा देखने को भी मिला है शायद। तो कहा जाता है कि उस किले में जो भी जाता है वो कभी रह नहीं पाता, वो पूरा बिखड़ा हुआ और पूरा वीरान जगह है, और वहां की सरकार ने सख्त उसके चारों तरफ बोर्ड लगा दिया है बड़ा सा कि यहां पर सूर्यास्त के बाद मतलब शाम के बाद वहां कोई रह नहीं सकता है, वहां कोई जा नहीं सकता, और अगर ऑलरेडी कोई घूमने गया है तो शाम होने से पहले वो वापस आ जाए। तो ये थी कहानी इसके पीछे की। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि वहां जाकर लाइव रात को रुककर वीडियो बनाए, काफी सालों को कुछ अजीब सी फील भी हुई है, कुछ नेगेटिव एनर्जी सा, और काफी सारे का ये भी मानना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उन्हें कोई भी चीज फील नहीं हुई है, वो रहकर आराम से आए हैं। आई डोंट नो रियलिटी क्या है, मैं तो कभी गई नहीं हूं, और आप लोग पूछोगे दिया अगर क्या जाना चाहोगे, नो मुझे भूत से बहुत डर लगता है, तो हो ना हो आई डोंट नो, आप अपनी राय बता सकते हो कि आपको क्या लगता है। तो बेसिकली ये थी कहानी, अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़ जाना क्योंकि लाइव वहां आती रहूंगी तो फिर मुझे आपसे बात करने में आसानी होगी। ओके, इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हो ताकि आपके भी फ्रेंड्स और फैमिली को थोड़ी सी नॉलेज हो, और नहीं शेयर करना चाहते कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और अगर पसंद आया होगा तो थैंक यू सो मच अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हो तो, और अपनी वीडियो की सजेशन मुझे आप दे भी सकते हो कि मैं आगे कौन सा वीडियो लाऊं। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।